ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो यहाँ बिक रही हैं। मज़ा आता है एक दफ़ा अगर आप ऊपर चढ़ जाओ तो नीचे कुछ ऐसा दिखता है। ये कब्रिस्तान है भतीजा के जो है ना इसमें कब्र है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये था नेक्स्ट डे और हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ज़ियारत करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ से गुजर रहे हैं ये है अरफात का मैदान और यहाँ पे जो मस्जिद निमरा है ये उस तरफ का एरिया है। ये है जबले सूर और यहाँ पे अभी ये बंद था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे बकायदा यहाँ पूरा बनाया जाएगा, यहाँ पे लोग आकर विजिट किया करेंगे तो ये बाद में खुलेगा। पहले हम गए थे तो ये ओपन था, अभी बंद था। तो अभी हम यहाँ पे आ गए जबले रहमत पे और अभी चलें ऊपर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर जबले रहमत पे और टाइम जो हो रहा है वो तकरीबन 7:11 हो रहे हैं और हम लोग मतलब फजर की नमाज के बाद ही निकल गए थे, मतलब 6 के बाद, क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की अब यहाँ पे सूरज निकलना शुरू हुआ है, मतलब बढ़ रही है आँखों पे, लेकिन गर्मी नहीं हो रही फिलहाल। तो चले चलते हैं। यहाँ पे हम आए थे कोविड से पहले, मतलब 2020 में कोविड से ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हुई थी मार्च से, तो हम लोग फेब में आए थे आई थिंक। तो ये अभी जैसे पूरा यहाँ पे पक्का बनाया हुआ है, ये नहीं बना हुआ था, यहाँ पे सारा बन गया है। पहले यहाँ पे सारा सिर्फ खाली मैदान सा था, मतलब जैसे कच्चा मैदान होता है, तो काफ़ी चेंज लग रही है आज सारी चीज़ें। मैं नीचे असलान के साथ रुक गई थी, ऊपर गई थी मेरी मदर इन लॉ और फराज चले गए थे, तो मैंने फराज को मोबाइल दे दिया था कि आप ऊपर जाके शूट कर लीजिएगा, तो बस वो करते हुए जा रहे थे शूट। और ऊपर रास्ते में जाते हुए ना ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग यहाँ पे बैठ के यहाँ पे सेल आउट कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह थी, स्टोन्स थे, तस्बियाँ थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये रही मैं, ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ बिक रही हैं। ये पत्थर है, ये कौन सा पत्थर है? बहुत मुश्किल होता है इतनी लंबी सीढ़ियाँ चलना और अम्मा की भी थोड़ा हालत टाइट हो गया, लेकिन यह है कि मज़ा आता है एक दफ़ा अगर आप ऊपर चढ़ जाओ तो नीचे कुछ ऐसा दिखता है। ऑलरेडी इतने लोग मौजूद हैं, ये तो यहाँ पे पहुँच गए थे टॉप पर और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये ज़्यारत के लिए जगहें होती हैं। पत्थर पत्थर सब ये फिरोज़ा है और ये अच्छा ये इंडिया का है, ये ईरान का है, ये इंडिया का फिरोज़ा है मम्मा, ये 10 रियाल का है, ये 20 रियाल का है। बस ये सब जगह है ज़ियारत के लिए।
बताओ देखो घूमो। दुआ के लिए खाने काबा है, ठीक है। अच्छा ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है बनस्पत नीचे उतरने के, ये है मुज़दलिफ़ा। और यहाँ पे हज में जब 9th ज़िलहज होता है और जैसे ही सनसेट होता है मगरिब के बाद, यहाँ पर अरफात से निकल जाते हैं और इस जगह पे आकर एक रात जो है यहाँ पे स्टे करते हैं, जहाँ पे आप आके मगरिब और इशा की नमाज़ जो है वो एक साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं किधर? मीना की तरफ जा रहे हैं, जमरात की तरफ। ये हम पहुंच गए थे मीना, और मीना जो है वो अब काफ़ी बड़ा इसका एरिया हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो अब ये मीना 1 और मीना 2 के नाम से ये डिवाइड हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से खेमे यहाँ पे लोगों के लगते हैं। अभी तो पूरी ये देखें, आपको जगहें यहाँ पे खाली लगे नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये वही जगहें यहाँ पे अंदर डिफरेंट डिफरेंट खेमे लगते हैं और पूरा यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है लोगों के रुकने का, हाजियों के रुकने का। तो बस हम यहीं से गुजरते हुए, और ये रहा सामने जमरात, ये जो बिल्डिंग थी आपको ये सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये जमरात जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। अच्छा ये इधर इन्होंने लगाया हुआ भी है, पहाड़ पर चढ़ने में खतरा है, मुश्किल और गिरने का अंदेशा है, और इस पर चढ़ने और उतरने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। लोग चढ़ रहे हैं, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं चढ़ूं, लेकिन ऐसा है कि यार एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा ये है कि काफ़ी टाइम से मैं वॉक वगैरह कर नहीं रहा, प्रैक्टिस में हूँ नहीं, तो मेरे सारे जो ना काफ़ी पेन वेन हो जाएगा मुझे। और अभी आगे बहुत मेहनत है, बहुत काम है, शिपिंग वगैरह भी है, तो काफ़ी टफ टाइम हो जाएगा मुझे। जिन्नात की बारी में ये हम आ गए थे, यहाँ पे थी मस्जिद जिन जो कि सामने आपको बोर्ड पे भी नजर आ रहा होगा, और ये जो है जन्नतुल मौला के बहुत करीब है। जब हज़रत सल्लम मदीना हिजरत करके गए थे तो जब वापसी आए थे गज़वा मक्का फतह करने, 10 रमजान मुबारक को जब फतह हुआ था मक्का, तो इस मस्जिद में आके उन्होंने खुतबा दिया था। ये मस्जिद मस्जिद फतह है, ये मस्जिद फतह, ठीक है। ये राइट साइड पे जो मस्जिद है ये मस्जिद शजर है, अगर आपको याद हो या आपने सुना हो कि हज़रत सल्लम ने दरख्त को इशारा किया था, दरख्त जमीन फाड़ता हुआ उनके पास आ गया था छाव करने, ये वो जगह है, इसको कहते हैं मस्जिद शजर। अब हम जाएंगे जन्नत मौला, ये जन्नत मौला है, ठीक है। कमरे नजर आते हैं, अच्छा मैं चल के देख सकता हूँ। एक सेंट को इसलिए ले गया है कि फ्रंट से वो जाने नहीं देते हैं गरीब, तो यहाँ से कमरे नजर आते हैं। ये कब्रिस्तान है, खतीजा के जो है ना इसमें कब्र है। और आखिर में हम आ गए थे मस्जिद आयशा जो कि मिकात है, जहाँ पे अहराम की नियत करते हैं लोग और यहाँ से अहराम बांध के उम्रे के लिए निकल जाते हैं।
हम तकरीबन वहाँ से 9 बजे के बाद यानी कि 9:15 तक हम फारिग हो गए थे, मतलब होटल आ गए थे। उसके बाद हम लोग 9:30 बजे तक आ गए थे अपने नाश्ता करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, 10:30 बजे नाश्ता बंद हो जाता है। तो बस हम जल्दी जल्दी आ गए थे, भूख काफ़ी लग रही थी। बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे, और इसके अलावा लाइफ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन भी रही थी। ये देखें यहाँ पे आपके बॉयल एग्स हैं, यहाँ पे पोटैटोज़ थे, साथ में राइस वगैरह भी थे, वेजिटेबल्स वगैरह भी थे, सॉसेजेस थे। इसके अलावा ये देखें सामने मेरे जो मोस्ट फेवरेट हैं, यहाँ पे बन रहे थे पैनकेक्स, और बहुत अच्छे गरम गरम थे, साथ में बहुत सारे डिफरेंट इसके साथ सॉसेस थे। साथ में यहाँ पे आगे अब ये थे सिनेमन रोल्स। बस हम लोग अपनी प्लेट्स बना के और हमने खाने के लिए बैठ गए थे, भूख काफ़ी लग रही थी और हमें जल्दी से फिर निकलना भी था जद्दा के लिए। नेक्स्ट व्लॉग्स इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, जिसमें हम आपको ट्रैवलिंग वगैरह जो हमारी हो रही है, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं जद्दा से नजरान जाने वाले इंशाल्लाह। तो बस उसी की वीडियोस आपको मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।